हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोसूड। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का टार डॉट जी जेड फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं काले लिनक्स उबंटू। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ एलएस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डायरेक्टरीज हैं। तो मैं कोई भी एक डायरेक्टरी ले लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी टार डॉट जी जेड फाइल प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टार डॉट जी जेड फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ ls-ltrace कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरली दिखे। यहाँ आप देख सकते हैं सारा फाइल लिस्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ हम लोग चलिए क्या करते हैं, डेस्कटॉप जो है डेस्कटॉप का एक टार डॉट जी जेड फाइल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें टार बनाना है तो हम लोग पहले लिखेंगे टार -c -z-f। और देखिए ये -z-f है, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल है जैसे मतलब कोई भी डायरेक्टरी है उसको हम लोग आर्चिव करेंगे, कंप्रेस करेंगे और इसका एक टार फाइल बनाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमें फाइल का नेम देना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग कोई भी नेम दे सकते हैं। तो चलिए मैं दे देता हूँ desktop.tar.gz। ये हो गया हमारा फाइल का नाम, जो टार का फाइल का नेम रहेगा। और इसके अंदर किसका कंटेंट रहेगा यहाँ पे हमें वो सिंपली डायरेक्टरी का नाम दे देना है। तो जैसे कि डेस्कटॉप देना है तो मैं डेस्कटॉप यहाँ पे लिख ही देता हूँ। यहाँ देखिए जैसे मैं डेस्कटॉप लिखा, अब मैं ये क्रिएट हो चुका है। जब दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं डेस्कटॉप डॉट टार डॉट जी जेड फाइल क्रिएट हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, अगर हमें इसे अनटार करना है तो यहाँ बेसिकली आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक डायरेक्टरी के अंदर मूव कर देते हैं और उसके अंदर इसे अनटार करता हूँ। मैं एक पहले डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, mkdir टेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फाइल है डेस्कटॉप वाला इसको मूव कर लेता हूँ, mvdesktop.tar.gz को हम लोग मूव करते हैं टेस्ट के अंदर। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट के अंदर एंड यहाँ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ आ गया अपना desktop.tar.gz। अगर हमें इसे अनकंप्रेस करना है, सॉरी मतलब अनटार करना है, तो हमें सिंपली लिखना है tar-xvzf। अब यहाँ आप देखते होंगे कि जब मैं किया था तो यहाँ वी लगाया नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं वी लगाया। तो ये वी एक्चुअली करता है क्या है, ये आपका सिंपली क्या करता है, वर्बोस है जो आउटपुट देता है, जो भी इसके कंटेंट रहेगा ये यहाँ पे बताते जाएगा कि कितना कुछ मतलब ये अनटार करते गया है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली tar-xvzf डेस्कटॉप डॉट फाइल के नाम हम लोग दे दिए, अब एंटर कर दिए। तो यहाँ पे देखिए बस एक ही डायरेक्टरी था इसके अंदर, तो ये डेस्कटॉप यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और जैसे अगर मैं ls-ltrace करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप आ चुका है अंडर। सो फ्रेंड्स, अगर आप टार अंडर करना सीख गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।